Hello class 8th, in this video I am going to explain factorization by splitting up the middle term. तो हम middle term को split करके यानी कि उसे break करके हम factorize करने वाले हैं polynomials का. तो polynomial आपको given है x square plus 7x plus 10, जो कि आपको क्या करना है, factorize करना है. तो चलिए इस पर factorize करते हैं. देखो आपको अब दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 10 आता है और उनको ऐड करने में कितना है 7 है, यानी कि दोनों का तुम्हें कैसे चाहिए, जिनकी मल्टीप्लाई करने है तो कितना है अपना, मल्टीप्लाई करने पर 10 आया और ऐड करने में कितना है 7 है. तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 5 टू 10 5 टू 7. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. फिर क्या काम करते हैं, एक्स दोनों के साथ लगा लेते हैं, फिर एक्स मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, एक्स प्लस 5, और फिर मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस 5. ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना. और उसके बाद में अब देखो जरा दोनों में से क्या कॉमन है ना, x प्लस 5 तुम देख नोटिस करते हो कि x प्लस 5 मेरे दोनों में आ रहा है. तो अगर x प्लस 5 दोनों में से कॉमन लेता हूँ मैं तो क्या होता है, x प्लस 5 अगर मैं दोनों में से कॉमन लूँ तो मेरा क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस 2 बच जाएगा, है ना. तो चलिए49. तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, 13 प्लस 1 13 और 1 है ना. तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 13. अब एक्स को मैं दोनों के बीच लगा दूंगा ना, एक्स के बीच तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस एक्स प्लस 13. अब इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स टर्म कॉमन है, तो कितना आएगा, एक्स माइनस 13 माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना आएगा, एक्स माइनस 13. उसके बाद एक्स माइनस 13 मेरा देखो दो रुपये से कॉमन है वो कॉमन लिया और यहाँ क्या बचा मेरे पास, एक्स माइनस 1 बचा, ठीक है भाई. तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मिडिल टर्म आराम से स्प्लिट करा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x प्लस 15. तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर, देखो हम किस किस की मल्टीप्लाई करते हैं, हम स्टार्टिंग की 4 की और 16 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा. तो दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता हो, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और ऐड करने पर कितना है 16 आए. देखो 4 टाइम जा 4 के 15 की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा. और उन्हें मैं कहा हाँ और मैं उन्हें कहा था ऐड करने में कितना है 16 है. तो दो नंबर 4x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6x प्लस 15. तो सबसे x दोनों के बीच लगाऊंगा मैं, x इसके पीछे और x इसके पीछे. दोनों में क्या कॉमन आया मेरा 2x माइनस 5 और यहाँ क्या बच जाता है मेरा
तो x माइनस 3 मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो दो नंबर को जैसे 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 3 8 का 24, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और उनको आपस में ऐड करने पर कितना आएगा, 10। तो वो नंबर मेरे कौन कौन से हैं, वो मेरे नंबर ऐसे कौन से नंबर है दुनिया के अंदर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आता हो और ऐड करने पर कितना है मेरा, 10 आए, तो वो 6 और 4 है, 6 4 से 24 और 6 और 4 कितना होता है 10। तो देखो इसी क्यों इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको स्टार्टिंग करते हो ये मेरा फाइनल होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8। अब नोटिस करता था दोनों में क्या कॉमन है, 3x मेरा कॉमन है, तो क्या कितना बचा मेरे पास आपका x माइनस 2, और यहाँ कितना कॉमन है मेरे पास 4 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास x माइनस 2, और यहाँ जो है x माइनस 2 मेरा कॉमन है दोनों में, और यहाँ फाइनली मेरा बचा रहा है 3x माइनस 4 इतना बार पास। अब यहाँ पर देखिए दो नंबर ऐसे ही है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 3 या 30 है और ऐड करने पर कितना है 11 है, तो बताओ दोनों का कौन सा है, वो दो नंबर कौन कौन से हैं, 6 और 5 में 6 और 5 मिला है 6 और 5 में 30, तो ये नंबर आपको कुछ सेलेक्ट करने हैं, कुछ ढूंढने हैं, और इन्हें कैसे सेलेक्ट करा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है, वो तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फैक्टर करते हैं, है ना। क्या आपको मैंने बता दोनों में से, दोनों में से कितना कॉमन है, देखो तुम नोटिस करते हो 2x दोनों में 2x कॉमन लिया, कितना बचा मेरे पास 5x, डिवाइड करो 5 3 जा 2 3 जा 6, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, कितना बचा 5x प्लस 3, तो 5x प्लस 3 में दोनों में से कॉमन लिया, है ना, तो 5x प्लस 3 में दोनों में से कॉमन लिया, मेरे पास फाइनली मेरे पास कितना बच जाता है 2x प्लस 1 मेरे पास बच जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, दोनों पर ऐसे ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता हो 12 5 जा 60, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो आना चाहिए, और अब ये वाला नंबर देखते हैं, अगर ये ऐड का साइन है तो ऐड का डिनोमिनेटर टर्म है, अगर ये माइनस का साइन है, दोनों पर हमें यहां पे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 12 5 जा कितना होता है 60, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 60 आया बट माइनस का साइन पे डिनोमिनेटर टर्म आना चाहिए, यानी कि 28 माइनस करने पे आया, तो वो मेरे दो नंबर ऐसे कौन कौन से हैं, 32 जा 60 होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो 30 में से 2 में माइनस करता हूँ तो 28 मेरा बच जाता है, ये क्या हो जाएगा 12 की स्क्वायर प्लस 30 माइनस 2 इनटू a माइनस 5, तो क्या हो जाएगा फिर 12 की स्क्वायर प्लस 30 a लगाओ पीछे 2 a माइनस 5, क्या कॉमन है दोनों में, आप नोटिस करते हो कि 6 कॉमन है 2 कॉमन है, a कॉमन है 2 कॉमन है, तो 6 से मैंने कॉमन लिया तो 6 टू 12 a प्लस डिवाइड बाय 6 5 का 30, और जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, तो 2a प्लस 5 दोनों में कॉमन आया तो 6a 2a प्लस 5 यहां पे कॉमन लिया और यहां कितना बचा मेरा 6a माइनस 1 का पूरा बच गया, जो भी मेरा यहां आंसर है। अब यहां पर थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल है, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि सब में कॉमन क्या है, 36 12 और 15 में सब में कॉमन क्या है, तो आप ये देखते हो कि 3 तो मेरा सब में कॉमन है, 3 मेरा 36 में भी है 12 में भी है 15 में भी, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी और कुछ कॉमन नहीं, डिवाइड करो 12 x स्क्वायर माइनस 3 4 जेड 12 4 x y z, चलिए माइनस 3 5 15 y स्क्वायर z, अब दो नंबर ऐसे होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 5 जब 60 आए और माइनस करने पर 4 आए, दो नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है और माइनस करने पर कितना आया मेरा 4 आया, तो वो नंबर है मेरे 60, चलिए फैक्टर कर लेते हैं ना, 60 का फैक्टर कर लो, तो 60 का फैक्टर करते हो तो 230, ऐसे मैंने बताया आपको फैक्टर ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, और 550 है ना, तो नोटिस करो जरा 5 2 10 3 या 6, तो 10 और 6 ऐसे फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आता है बट माइनस करने पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो 10 माइनस
जो हम पता कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस करने पे क्या आना चाहिए। थ्री 12x² माइनस 10yz माइनस 6yz माइनस 5y² जेड स्क्वायर। अब देखो क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, क्या 2x दोनों में है, 2x दोनों में कॉमन है, नहीं 2x कॉमन तो नहीं है दोनों में भाई, ओनली अच्छा एक्स वाई जेड, एक्स में लिख सही नहीं, यहाँ पे एक्स में तो आता है, यहाँ पे एक्स में तो आता है, तो 2x कॉमन लिया गया है, क्या बचा 2 3 6 6x माइनस डिवाइड बाय 5 का टेन 5 का है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कॉमन है, यहाँ जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी, वाई यहाँ भी, वाई यहाँ भी, वाई जेड में कॉमन ले सकता हूँ, यस बिल्कुल लिया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये मेरा प्लस हो जाएगा माइनस है, यहाँ मेरा प्लस आ जाएगा और यहाँ मेरा माइनस है, डिवाइड बाय मतलब वाई बाहर जेड भी बाहर था 5 वाई जेड बचे, यस बिल्कुल बचे। और उसके बाद फिर 3 दोनों में देखो 6 माइनस 5 जेड कॉमन है तो 6 माइनस 5 जेड मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया 2x प्लस वाई जेड यहाँ बच गया जो क्या है मेरा आंसर। कितना मुश्किल क्वेश्चन है क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वेश्चन को आसानी से जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आपको जो है सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है जो कि आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन हम पूरा कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ओके थैंक यू।